दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार आयोजित हुआ। फरियादी के विभिन्न कांडों की सुनवाई करते हुए एसएसपी ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जहां एक तरफ दरभंगा के पुलिस अधीक्षक का जनता दरबार में मनोरंजन हुआ, वहीं गुरुवार को अपने कार्यालय पर पहुंचे हुए सभी फरियादी की समस्याओं को एसएसपी ने बारी बारी से सुना और अलग अलग करीब 8 थाना क्षेत्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फरियादी विभिन्न थाना पर पहुंचकर सीधा वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार से बात की। वहीं एसएसपी ने सभी की शिकायतों का निदान करने की बात कही। दरभंगा केफिया पुलिस अधीक्षक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस संबंध में बात किया तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन जब अपने कार्यालय पर रहेंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न थाना क्षेत्र से जुड़कर सीधा फरियादी बात कर सकते हैं, अपनी समस्या को रख सकते हैं, उस पर सुनवाई करते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समय सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक रहेगा, जहां फरियादी अपने थाना क्षेत्र में पहुंचकर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। जमीन पर हम आज से नहीं है, चक्का कुछ पानी पी लिया है और तब जाकर के परसों जाँच में भी दिया और जाँच करके कल फिर पहुँचा है बाउंड्री घरवाओ ई भरवाओ सीओ साहब सही लिख करके दिए। कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है? सीओ साहब के नहीं हम कागज क्या यहाँ पे अभी किसके यहाँ आया? एसपी साहब ऊपर में। हाँ, क्या चाह रहे हैं? वही बार बार जाकर के तंग करता है हम, जो घर हटाओ हर हटाओ। माध्यम से सहूलियत दो है हमारे पास। एक तो ये है कि लोगों को दूर से आना नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, उनके आने जाने का समय बच रहा है, खर्चा बच रहा है, परेशानी कम हो रही है। दूसरी जो सहूलियत है हम लोगों के भी हिसाब से और जो आवेदक हैं उनके हिसाब से भी कि सभी थाना अंचल एसडीपीओ सब लोग जुड़े हुए हैं इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो कोई व्यक्ति को शिकायत होती है तो हम लोग तुरंत ही उस थाने को वहीं पर बोल देते हैं उसका निराकरण करने के लिए, जो समाधान होने लायक होता है एक समय सीमा दे देते हैं हम लोग पदाधिकारियों को कि इतने दिनों के अंदर हमको रिपोर्ट कर दें। जिनका निराकरण नहीं हो सकता है वो भी आवेदक को हम लोग बता देते हैं कि हमारे स्तर से नहीं हो पाएगा, आपको सक्षम दूसरे पदाधिकारी या अगर कोर्ट का मैटर है तो कोर्ट में जाकर अपनी बात रखनी होगी। तो तुरंत एक तो डिस्पोजल भी हो जाता है और लोगों को सहूलियत भी होती है, तो दोनों तरफ से दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। सर, देखा गया है कि बिरोल एसडीपीओ साहब भी थे और सत्य प्रकाश, क्या ये थाने पर होता है या डीएसपी साहब अपने चैंबर से बात करते हैं? देखिए, हम लोगों ने सभी जगह पे व्यवस्था की है, सभी थाना ओपी में भी व्यवस्था है, वहां पर भी लोग जाकर अपनी बात रख सकते हैं। जिनको लगता है कि थाना पर जाकर अपनी बात नहीं रख सकते हैं वो अपने अंचल पुलिस निरीक्षक के यहाँ जा सकते हैं या अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उनके कार्यालय में भी जा सकते हैं। किस तरह की बातें आज जनता दरबार में आई? आज मुख्यतः जमीन से रिलेटेड ज्यादा मैटर थे, केस से संबंधित 2-3 ही मैटर है जिसको हम लोग कर रहे हैं रिव्यू। लेकिन न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक दरभंगा। नफीसा हज एंड उमराह ट्रेवल, हज उमराह ज़ियारत 16 अक्टूबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 10 नवंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 20 दिसंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 15 जनवरी 2024, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, उमरा वीजा, होटल, इंश्योरेंस, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाय बस, जियारत, जमजम लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड। इस बार हज उमरा का प्रोग्राम ये है, 2 सितंबर को पहला ग्रुप जा रहा लगा 15 दिनों के लिए, 16 सितंबर को वापसी होगी। 95,000 के पैकेज है और सारी सहूलत है इसमें, खाने से लेके लॉन्ड्री, इंश्योरेंस, ज्यारत, मक्के की, मदीने की, सब इंक्लूड है इसके अंदर। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं जिनको? पूरे बिहार से हमारे पास है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सब जगह के लोग आते हैं दरभंगा के लिए। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये? 15 साल हमारा हुआ, ऐसे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल से ग्रुप लेके जाते हैं, साल में 5-6 ग्रुप जाता है हमारा, और साथ में हम खुद जाते हैं, सारा मेंटेनेंस रेजिमेंट हम खुद करते हैं, इसमें किसी इन्वॉल्व नहीं।